लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ मिशन शक्ति फेज 3 के दृष्टिगत अभियोजन संबंधी प्रगति के संबंध में चर्चा की। चर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव गृह ने महिला अपराधों से जुड़े हुए मामलों में अपराधियों पर पॉस्को एक्ट सहित अन्य कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं से संबंधित अपराधों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे समय रहते अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। इस मौके पर बड़ी संख्या में शासकीय अधिवक्ता मौजूद रहे। ठीक है, बरेली अच्छा काम हुआ, लेकिन इसको पोर्टल पे रिफ्लेक्ट कर दीजिए, अपने नए DM साहब को बता दीजिए। मानवेंद कहाँ है? जी सर, मानवेंद कहाँ है? आए नहीं है सर, उनको बता दीजिए, मुझसे बात कर लेंगे। शाहजहांपुर, थैंक यू, बरेली यू में ली थी। हेलो, प्रणाम सर। हाँ बताए। मिशन शक्ति अभियान में हमारे यहाँ 5 आजीवन कारावास हुए हैं पाक्सो में, और 5 में 10 साल की सजा हुई है, 10 से कम 2 सजा हुई है, और बेल 376 IPC में जो भी 300। जी सर, और कितने कितने कोर्ट है और कितने आदमी नियुक्त है, चिट्ठी भेज दीजिए इसको। अगर आजीवन कारावास हुआ है 34 अभियुक्तों को, 9 मुकदमों में 12 अभियुक्तों को 10 वर्ष अधिक सजा हुई है, 23 मुकदमों में 10 वर्ष से कम। बहुत ही कम दिख रही है सर, हम 27 तक का बता दे रहे हैं, कल तक आज तक का। हाँ तो जो भी है आप इसको अपडेट करिए। सही चल रहा है सर।